तो अगर हम कुछ बात करें तो ये तो एक बेसिक हो गई अबाउट द मल्टीलेटरल नेटिंग के मल्टीलेटरल नेटिंग के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज दैट हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर है और वो विंटर 2018 का आपके पास पेपर है। सो दैट इज विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों की सोची होती है यार ये तो आ गया अब थोड़ी आएगा, वो भाई आपको कहाँ पे लिखा हुआ है कि आ गया तो अब नहीं आएगा। भाई आ गया तो क्या करोगे, शक्लें देखोगे? अच्छा अब देखें, नाउ इट सेज क्वेश्चन नंबर 2 ए प्लूटो ग्रुप विंटर 2018। द प्लूटो ग्रुप पाकिस्तान इज अ मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो प्लूटो ग्रुप क्या है? इज अ मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज व्हिच कैरीज आउट नंबर ऑफ इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस विद 3 सब्सिडरीज बेस्ड इन बांग्लादेश यूएई एंड सऊदी अरेबिया। क्या कहता है? पीजीएल फॉलोज मल्टीलेटरल लेंडिंग टू क्लियर द इंडेबटनेस विद इन द ग्रुप कंपनी। The following intercompany receivable payable at the year end are as follows. So, aapko payable aur receivable jo hai wo given hai. So, basically what's happening is when you are reading downwards, it's actually payable by and payable to. So, this is what it is. Now, what happens is, aapke paas currencies hai, Bangladeshi taka ki currency hai, UAE dirham hai, aur Saudi Arabian riyal. All settlements are made in lakh rupees by using. So, settlement currency aapki kya hai? ₹8 है। By using relevant exchange rate which are as follows. The exchange rates आपको given है और आपको कहता है average transaction for the group is 0.1% of the transaction value. Average cost of the transaction for the group is 0.1% of the transaction value. Now, what is it? How exactly are we going to say? तो इसमें आपके पास एक चीज़ ये है कि determine the amount of savings which can be achieved by PGL by using multilateral netting. Now, exam में जब ये question आया तो हमारा बच्चा जो ना वो हिल गया और उसमें रीजन ये थी कि उसने ये पूछा, उसने ये नहीं बताया कि भाई ये बताओ कि इस मल्टीलेटरल लेंडिंग के थ्रू कौन किसको कितने पैसे पे करेगा। एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा, ये बताओ कि जी जो है क्या बोलते हैं कि सेविंग्स क्या आएंगे। अब आवाम घूम गई, अबे भाई सेविंग चाहिए तो सेविंग के लिए पहले ये तो बताओ कि नेट ट्रांजेक्शन क्या, नेट रिसीवेबल का ट्रांजेक्शन क्या, नेट पेबल का ट्रांजेक्शन क्या, खुद ब खुद सेविंग आ जाएगी। भाई अगर 5 लाख का रिसीवेबल है तो उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी, अगर 3 लाख का पेबल है उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी 8 लाख का। अगर मैं नेट बेसिस पे सेटल करूंगा तो 5 लाख और 3 लाख नेट हो गया, 2 लाख पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी। तो आप नेट पेबल रिसीवेबल तो एस्टैब्लिश करो पहले। तो आवाम ने क्या करा, बच्चा घूम गया क्या सेविंग कैसे निकाला। अबे भाई देखो, याद करो जब भी सवाल आए, टेढ़ा सवाल आ जाए, समझ नहीं आ रहा हो ना, ऑलवेज डू द बेसिक्स राइट, ऑलवेज डू द बेसिक्स राइट। नाउ व्हाट डू मीन बाय डूइंग द बेसिक्स राइट? भाई बेसिक बुनियादी काम तो सही कर लो, खुद ब खुद सवाल सही हो जाए। कुछ नहीं तो 75% मार्क्स तो मिल जाएंगे ऑन व्हाट यू अटेम्प्टेड। नाउ लेट्स सी, तो आपके पास सिचुएशन क्या है, आपके पास ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस गिवन है। क्या गिवन है? तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस गिवन है। अब ना आप क्या करेंगे, आपको इन तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करना चाहिए इनटू पाक रुपीस। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें विच इज बेसिकली विंटर 2018, क्या है विंटर 2018, और इस विंटर 2018 के अंदर आपके पास इट्स बेसिकली प्लूटो ग्रुप लिमिटेड। So, पहला स्टेप तो क्या होगा कि आप तमाम की तमाम जो ट्रांजेक्शन है उस तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन को आप कन्वर्ट कर लेंगे इनटू पाक रुपीस। आप तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू पाक रुपीस। नाउ क्या होगा अगर मैं ट्रांजेक्शन को, ये जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को वन बाय वन लेके चलू, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को वन बाय वन इस तरह से हॉरिजॉन्टली लेके चलू, तो आई एम गोना से कि भाई पहली जो ट्रांजैक्शन है वो पहली ट्रांजैक्शन आपके पास जो है दैट इज एक्चुअली बीडीटी 450 और उसके साथ साथ एईडी 21 है और मजीद उसके अलावा ये आपके पास एक है बीडीटी 450, आपके पास एईडी 21 है, आपके पास एसएआर 16 है और फिर देन उसके बाद आपके पास मजीद जो है वो एसएआर 20 है और मजीद अगर आप देखें तो आपके पास AED 15 है। दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शंस आर।
अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो आपके पास एक्सचेंज रेट 1.613 है, ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट द एक्सचेंज रेट इज, बिकॉज मैं डायरेक्ट कोड यूज कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लीकेशन वाली बात कर रहा हूँ। आपके पास दिरहम का जो रेट है वो 35.714 है और सऊदी अरेबियन रियाल का 34.483 है। और लास्टली दिरहम का अगेन रेट है, सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। सो आपके पास अमाउंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी क्या, ये लाइक द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ पी क्या, सो रिजल्टिंगली इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो आपके पास पहला स्टेप तो क्या हो गया, सेटलमेंट करेंसी आइडेंटिफाई करना, अब हमने आइडेंटिफाई कर ली। और आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एस्टेब्लिश, आप कन्वर्ट करेंगे तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को सेटलमेंट करेंसी के अंदर, तो वो भी हमने कर लिया यहाँ पे। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप नेट रिसीवेबल और नेट पेबल एस्टेब्लिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप नेट रिसीवेबल और नेट पेबल एस्टेब्लिश करेंगे। सो हाउ वुड वी डू इज दैट कि हम इसमें एक ट्रांजेक्शन मेट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम एक ट्रांजेक्शन मेट्रिक्स बनाएंगे। तो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है वो आपके पास किस तरह से होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव दिस पीजीएल, और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि आपके पास बांग्लादेशी कंपनी है, और फिर उसके बाद यूएई की कंपनी है, और फिर सऊदी अरब की कंपनी। सिमिलरली इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक दिस पीजीएल, और आपके पास बीजीडी और यूएई और आपका सऊदी अरब। अगर देखा जाए तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि आपके आप पेमेंट्स हैं, यू कुड से कि पेमेंट्स रीड डाउनवर्ड्स, और आपके पास रिसीट्स हैं, उस रिसीट्स को आप क्या करोगे, रिसीट्स को आप रीड अक्रॉस कर दोगे। सो अगर हम इस ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स के अंदर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, वो पहली ट्रांजैक्शन जो थी ना, वो पहली ट्रांजैक्शन को अगर मैं देखूं तो आपके यहाँ बांग्लादेशी कंपनी ने पे करना है पाकिस्तानी कंपनी को, तो आप क्या करेंगे, यू वुड एक्चुअली प्लॉट इट लाइक दिस, क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन पाक रुपीज में आएंगे, तो 725 यहाँ पर आ जाएगा। तो बांग्लादेशी कंपनी हैज टू पे टू पाकिस्तानी कंपनी, और फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू बी देयर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी देयर इज कि आपके पास नेक्स्ट सिचुएशन है कि यूएई की कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी को पे करना, और वो कितना हो जाएगा ये। देन उसके बाद आपके पास मजीद जो है वो यहाँ पे दिस इज 120, दिस इज 150 एंड दिस इज 500, ये सब तो ऑलरेडी पाक रुपी के अंदर, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट देम। अगली बार आप क्या करोगे, अगली बार आप करोगे कुछ तरह से, आप कहोगे कि यार ये जो सऊदी अरेबियन कंपनी ने पे करना है, और वो किसको पे करना है, वो उसने बांग्लादेशी सब्सिडरी को पे करना है। अगर उसने बांग्लादेशी सब्सिडरी को पे करना है, सो हाउ मच इज गोना बी द पेमेंट, ये हो जाएगा 551। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट भी सऊदी कंपनी ने पे करना है, और वो पे करना है उसने यूएई कंपनी, और आखिरी जो चीज है वो आपका यूएई कंपनी ने पे करना है, और वो सऊदी कंपनी को पे करना है, एंड दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास ये आ जाएगा टोटल रिसीट्स, और उसके साथ साथ जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा विच इज गोना बी टोटल पेमेंट्स, एक आपके पास आ जाएगा टोटल रिसीट्स, एक आपके पास आ जाएगा टोटल पेमेंट्स। तो अगर मैं देखूं तो मैं इन पेमेंट्स को नेगेटिव फॉर्म में लेके जाऊंगा, और ये हमारे पास टोटल रिसीट्स आ जाएंगे।
अब आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि नेक्स्ट सिचुएशन है कि आप इनके अगेंस्ट रिसीट्स पोस्ट करेंगे. अच्छा, आप रिसीट्स अगर आप पोस्ट करेंगे सो दिस इज व्हाट इट इज, फिर आप रिसीट पोस्ट करेंगे सो दिस इज व्हाट इट इज, देन उसके बाद ये आपके पास आएगी और फिर आपके पास ये आएगी. तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट रिसीट और पेमेंट, नेट रिसीट स्लैश पेमेंट. So this is what you will get, net receipt slash payment. So agar hum dekhe is case ke andar, so what is actually going to happen? Agar main net receipt aur payment ki baat karun, to aapke paas net receipt aur payment jo hai wo is tarah se ho jayegi ke you will have it like this. तो ये आपके पास बेसिकली एक ओवरऑल ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स बन गया. क्या ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स बन गया कि भाई इसके अंदर आपने ये सारी रिसीट्स पेमेंट्स एक्सेट्रा सब कुछ पोस्ट किया. नाउ अगर हम बात करें इस केस के अंदर तो ये तो वहां पर ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स आ गया. रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज, हमें एक बात ये समझ में आ रही है इसका पीजीएल का रिसीवेबल है 705 का, बीजीडी का जो बांग्लादेशी कंपनी उसका पेएबल है, यूएई की कंपनी का पेएबल है और सऊदी अरब की कंपनी का Receivable है, इनफैक्ट इसका भी पेबल है. दिस इज व्हाट इट इज. आप याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपका ये जो सम है दिस इज गोइंग टू बी जीरो. आपका ये जो सम है दिस सम इज गोइंग टू बी जीरो. ये सम क्या आएगा, ये सम हमेशा जीरो आएगा. जी भाई सही है. ओके सो बेसिकली क्या होगा, ये तो तमाम की तमाम चीजें आ गई. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर. अब आपने ये चीज एस्टैब्लिश करनी है कि सेविंग्स क्या है. सेविंग्स, नाउ देखिए एक चीज याद रखिएगा, सेविंग्स कैसे आएंगे. सेविंग्स की कैलकुलेशन जो ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. सेविंग्स क्या होंगी, तो सेविंग्स ये होंगी कि यार पहले कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती और अब कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती. तो आप क्या करेंगे, बिफोर नेटिंग जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा ना, वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना था, या तो आप ये टोटल रिसीट्स का सम अप कर लें या टोटल पेमेंट का कर लें, दोनों यही होगा. तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार अगर मैं देखूं तो टोटल रिसीट का समझो सम आ रहा है 4022.94, दिस इज व्हाट इट इज. यानी बिटवीन द ग्रुप एंटिटीज जो लेना देना था वो 4022.94 का था, और अब आफ्टर नेटिंग कितना हो जाएगा. तो आफ्टर नेटिंग अगर आप देखें तो आपके पास एक कंपनी है जिसका रिसीवेबल है और बाकी तीन कंपनीज हैं जिनका पेबल है. सो रिजल्टिंगली अगर आप आफ्टर नेटिंग देखेंगे, आफ्टर नेटिंग दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन इज. देखें पहले कितना था, पहले ये तमाम ट्रांजैक्शन थे 4022.94. अब क्या है, अब सिर्फ ये एक है, यानी हैंड ऑन ट्रांजेक्शन मल्टीपल, लेकिन बस एक 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 अमाउंट है 705. लेना देना 705 का, पहला लेना देना कितना था 4022 का, पहला लेना देना 4022 का था, अब लेना देना 705 का. तो रिजल्टिंगली जो आपके पास रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन अमाउंट,
रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन के अंदर रिडक्शन आएगी तो ट्रांजेक्शन अमाउंट के अंदर रिडक्शन जो आएगी उसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं. तो रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन अमाउंट इज गोइंग टू बी दिस माइनस दिस, रिजल्टिंगली दिस इज व्हाट द रिडक्शन इज. और उसके बाद आपके पास जो सेविंग्स होगी एट द रेट ऑफ, सेविंग कितने परसेंट होगी आपका 0.1%. सो अगर सेविंग 0.1% होगी दिस इनटू 0.1%, सो आपके पास 3.317 million इज व्हाट द सेविंग इज गोइंग टू. सो 3.317 million इज व्हाट द सेविंग्स आर गोइंग टू बी. Okay, so this is actually multilateral netting. कि ये आप देखें कि कहाँ पे देखें transactions कितनी होती. अगर आप देखो यहाँ पे, so एक transaction, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और आठ. ये आठ transactions होती है वाली. Normally कितनी होती? आठ transactions होती. तो अगर ये eight transactions होती हैं, तो out of these eight transactions, अब आपके पास situation क्या हो गई है? आपका situation कुछ इस तरीके से हो गई है कि हम सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रांजैक्शंस करेंगे. वो क्या? वो ये है कि बांग्लादेशी कंपनी इसको पे कर देगी, यूएई कंपनी इसको पे करेगी और ये इसको पे करेगी. दैट्स इट. तो आउट ऑफ एट यू आर नाउ रिड्यूस्ड टू थ्री ट्रांजैक्शंस. आउट ऑफ एट यू आर नाउ रिड्यूस्ड टू थ्री ट्रांजैक्शंस. दैट इज व्हाट द पावर ऑफ मल्टीलेटरल नेटिंग, कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिड्यूस हो जाती है.